नमस्कार, मैं हूं नंदिनी। आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ लोग अपने घर से ही वोट डाल पाएंगे। इसमें 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों, दिव्यांगजनों और कोरोना से प्रभावित लोग जो वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे, उन्हें ये सुविधा मिलेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि चुनाव आयोग वोट के लिए इन लोगों के घरों के दरवाजे तक पहुँचाएगा। वहीं चुनाव आयोग की सलाह पर भारत सरकार ने अक्टूबर साल 2019 में चुनाव संचालन के नियम 1961 में संशोधन करके 80 साल और ज़्यादा के वरिष्ठ नागरिकों को बैलेट वोटिंग सिस्टम के जरिए वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। वही पोस्टर बैलेट के जरिए जरूरी फॉर्म को 80 साल से ज़्यादा के सभी लोगों को भरना होगा। वहीं इसमें दिव्यांगों के घर पर भी डिलीवरी किया जाएगा। ये फॉर्म अपने पोलिंग स्टेशन के तहत सभी बूथ लेवल के ऑफिसर डिलीवर करेगा। अब आइए, ऐसे में ये सवाल उठता है कि लोग कैसे घर पर बैठ के इसे वोट डाल पाएंगे, तो आइए समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। आपको बता दें कि घर ऐसे बैठे बैठे वोट डालने की प्रक्रिया काफ़ी सरल है। घर बैठे वोट डालने के लिए इस स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहले बता दें कि आपको इस तरीके से वोट डालने के लिए फॉर्म 12D भरना होगा। एक बार आप इस फॉर्म को पूरी तरह से भर देते हैं तो इसके बाद पोलिंग स्टेशन पर होने वाली सामान्य वोटिंग प्रक्रिया में भी भाग नहीं ले पाएंगे। उसके बाद अब बात करते हैं कि स्टेप 2 की। तो आपको बता दें, स्टेप 2 के अंतर्गत बूथ लेवल ऑफिसर आवंदकों के घर पर आएंगे, वहीं और उसने ये ज़रूरी फॉर्म भरवाएंगे। उसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के अंदर ही आपको अफसर के इस फॉर्म को वापस करना होगा। उसके बाद आपको पहले की ही तारीख जो दी गई होगी उस पर सूचना मिल जाएगी, जब पोलिंग टीम आपके घर आएगी और इस फॉर्म को ले जाएगी। अब आगे की जानकारी के लिए आपको बता दें कि टीम आपके घर पर वोट को लेने भी आएगी। वहीं वोटिंग के वीडियो को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ये पूरा ही सिस्टम पारदर्शिता के साथ होगा। वहीं पोर्टल वोटिंग की ये प्रक्रिया चुनाव में मतदान के 3 दिन पहले ही खत्म हो जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि ज़्यादा उम्र से जुड़ी दिक्कतों के कारण और दिव्यांगों की वजह से बहुत से लोग हैं जो वोट देना चाहते हैं लेकिन वोट के पोलिंग स्टेशन पर आ नहीं सकते। उन सभी के लिए ये सारे नियम बनाए गए हैं और उनकी दिक्कतों को टालने के लिए ये सब किया गया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने इन मुश्किलों को देखा है और उसी मुसीबत में बदलाव लाने के लिए सारी प्रक्रिया अब आजमाई है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।